मैंने हर चीज बगौर देख ली है, आप भी देख लीजिएगा, ठीक है सर? ये दमीर साहब, प्रोजेक्ट की तमाम तफसीलात और बाकी रिपोर्ट्स आपकी टेबल पर रखती हैं, देख लीजिएगा। मैंने वो सारी ड्राइंग्स भेज दी हैं जो आपको चाहिए थी, तो जब आपको वक्त मिले तो अपनी ईमेल जरूर चेक कर लीजिएगा। आपके पास बजट की सारी तफसीलात मौजूद हैं? सब कुछ ठीक लग रहा है, आप सबका बहुत शुक्रिया। दमीर सर। हाँ कहो, क्या कहना है? काम खत्म हो गया तो क्या जा सकती हूँ मैं? नहीं, अभी बिल्कुल नहीं जा सकती, टेरेस पर एक तकरीब रखी है। ठीक है दमीर सर। सेलिन। जी। दमीर साहब क्या हुआ? पासपोर्ट कहाँ है मेरा सेलिन? आखिरी दफा कहाँ देखा था याद है आपको? सुबह यहीं टेबल पर था। तो ध्यान से देखें, यहीं पर होगा। तुम देख सकती हो कि यहाँ नहीं है? घर पे भूल गए होंगे शायद, या फिर गाड़ी में देखा। क्यों कर रही हो ऐसा? क्या कर रही हूँ मैं? देखो, एक खेल मत खेलो मेरे साथ। दमीर साहब, आपकी हर बात की ताबे नहीं हूँ मैं, और ना ही असिस्टेंट हूँ आपकी। अगर आपको पासपोर्ट नहीं मिल रहा तो यास्मीन से कहिए, वो आपकी मदद कर देगी। सेलिन, अगर वो तुम्हारे पास है तो वापस कर दो मुझे, ये हरकत बिल्कुल बच्चों वाली है। तो क्या आपको ये लगता है कि पासपोर्ट मैंने छुपाया है जानबूझ के? क्योंकि सिर्फ तुम ही हो जिसे मेरे पेरिस जाने से सबसे ज्यादा मसला है। वो एक बिजनेस ट्रिप है और हम एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में वहां जा रहे हैं, और ये ट्रिप सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि इस कंपनी के लिए भी जरूरी है। देखो, अगर ये कोई मजाक है तो इसे खत्म करो। मेरे पास नहीं है पासपोर्ट। एक मिनट यास्मीन। ये होगी ना जाने की छोटी सी वजह। यास्मीन, ये तुमने क्या किया? हाँ, ये पासपोर्ट जाकर टेबल पर रख दो, वो मुझ पर इल्जाम लगा रहा है कि मैंने छुपा दिया है। तो क्या हुआ, तुम बता दो उसे कि तुम उसे यहाँ से किसी हाल में भी नहीं जाने दोगी। ऐसा मत करो प्लीज। अच्छा ठीक है, देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। क्या तुम उन्हें यहाँ से जाने के लिए रोकोगी तो क्या वो रुक जाएंगे? जरूरी तो नहीं। यास्मीन, मेरी टेबल पर। दमीर साहब, आपने इसे अपनी टेबल पर ही छोड़ दिया था, तो मैंने उठा लिया कि कहीं ये यहाँ से गायब ना हो जाए। शुक्रिया यास्मीन साहिबा, ऐसा हो तो बता दिया करें।